गुड आफ्टरनून क्लास। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, जिसे हम लोग वी से डिफाइन करते हैं, और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का रिलेशन हम लोग वी के साथ जब ड्रॉ करते हैं तो ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी लिखते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड बी के लिए भी हम लोग एक तरीके से मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट मैग्नेटिक पोटेंशियल कैन बी स्केलर एंड वेक्टर बोथ। तो ये जो वी एम होगा दैट विल बी स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल, कि स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं जो ए होगा दैट विल बी अ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो नाउ दिस वी एम विल रिप्रेजेंट स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल, वेयर एज दिस ए विल रिप्रेजेंट वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। ओके, सो वी एम एंड ए। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। अगर स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल को जिस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं उस केस में डेल क्रॉस, तो स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल में जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं क्या E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल V, उसी तरीके से हम लोग मैग्नेटिक वेक्टर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं H से रिलेटेड करते हुए। तो E की जगह हम लोग ने H लिखा, H इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी एम। ठीक है, H इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी एम। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि डेल क्रॉस H, डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल क्रॉस एच विल बी इक्वल्स टू जे। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू अगर हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डेल क्रॉस माइनस ऑफ डेल वी एम, ग्रेडियंट ऑफ वी एम दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो एच की वैल्यू आएगी, दिस एच मीन्स यहाँ पर हो जाएगा डेल माइनस ऑफ, ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इक्वेट करिए क्या कि ये जो है ये जीरो के इक्वल है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप इक्वेट करेंगे जैसे डेल क्रॉस ई, डेल डॉट ई, डेल क्रॉस माइनस ऑफ डेल वी एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल क्रॉस एच, और ये डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा जे, और चूंकि यहाँ जे इज इक्वल्स टू जीरो हम लोगों ने पहले से ज्यूम कर रखा है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के नाते यहाँ पर ये जो एच की वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ डेल बी एम के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। वहीं वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए आप चूंकि जानते हैं कि डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो होता है, डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक, तो अब इस बी को हम लोग क्या करेंगे, बी इज इक्वल्स टू हम लोग डेल क्रॉस ए लिख देंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग डेल डॉट डेल क्रॉस ए कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू डेफिनेटली जीरो होगी। मीन्स अगर हम लोग कहीं भी कर निकाल रहे हैं और उसके बाद उसका डाइवर्जेंस निकालते हैं तो ये वैल्यू जीरो के ही इक्वल होती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नाउ दिस B विल बी इक्वल टू डेल क्रॉस A। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो A होगा दैट विल बी वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो B विल बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस A। ओके, सो B विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dQ अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R। ओके, वही ए अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो ए इज इक्वल्स टू, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4π εr IDL फॉर लाइन करंट, KDS फॉर सरफेस करंट एंड JdV फॉर वॉल्यूम करंट। ठीक है, अब जब आप यहां पर डेल क्रॉस ए लगा देंगे, डेल क्रॉस ए दैट विल बी इक्वल्स टू बी, तो जब आप इस तरीके से लगा देंगे तो यहां पर जो बी की वैल्यू आएगी बाई बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π IDL डैश क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। तो इस तरीके से आपका ये v का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, इसका डेरिवेशन इस लेक्चर में हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप
फ्लक्स की भी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ओवरऑल फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी डॉट डी एस। अगर आप यहाँ पर डेल क्रॉस ए डी एस लगा रहे हैं तो उसके बाद फिर आप स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम लगाने के बाद आ जाएगा ए डॉट डी एल। तो ओवरऑल फ्लक्स आप कैसे निकाल सकते हैं, ओवरऑल फ्लक्स आप निकाल सकते हैं जो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल है उसका आप ए डॉट डी एल करके इस तरीके से आप ओवरऑल फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल फ्लक्स हो जाएगा और इस तरीके से आप स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।